हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूनम रसोई 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यम्मी डिलीशियस सुपर रेसिपी, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अंडा करी या फिर ग्रेवी वाला अंडा या फिर इसे अंडा दो प्याज़ा का है, बहुत ही अच्छा रेसिपी बनता है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अंडा करी बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडा लेंगे। हम 6 पीस अंडा लिए हैं और इसके लिए क्या किए हैं, पानी चढ़ाए हैं। 2 गिलास पानी गर्म हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, जिससे अंडा बॉयल तो होगा लेकिन क्रैक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। अब हम इसमें सारे अंडे डाल देंगे और इसे बॉयल करेंगे। अंडा हमारा बॉयल हो रहा है और अब देखिए, हम मसाले के लिए लिए हैं लहसुन, 15 से 20 कली लहसुन है, 5 से 6 हरा मिर्च है, मीडियम साइज़ का ही है, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक है, खड़ा जीरा 1 चम्मच है और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम गोलमिर्च पाउडर है। इसे हम अच्छे से महीन पीस ले रहे हैं। अंडा हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है और अब हम इसे ठंडा होने दे रहे हैं, गैस ऑफ कर दिए हैं। देखिए, अदरक लहसुन हरी मिर्च खड़ा जीरा और गोलमिर्च का पेस्ट बहुत ही अच्छे से फाइन पीस लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके ले लिए हैं और देखिए, 3 मीडियम साइज़ का हम प्याज लिए हैं, जिसे पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। और सूखे मसाले में हमें चाहिए हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, तीखा लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम, तीखा आप अपने अंदाज से लेंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है। और हम लिए देखिए यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और तड़के के लिए लिए हैं हम खड़ा जीरा और तेज़पत्ता। अंडा ठंडा हो गया है, अब हम इसे छील लेते हैं। देखिए, बहुत ही आराम से इजी वे में निकल जाएगा, स्ट्रीट वाले भी ऐसी तरह से करते हैं, रोड वाले जो ठेले वाले जो बनाकर बेचते हैं अंडा। इस तरह से देखिए, हम सारे अंडे छील लिए हैं बढ़िया से और एक भी टूटा नहीं है। तो पानी में अगर हम बॉईल करते समय नमक डाल देंगे तो अंडा क्रैक नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से बॉयल हो जाता है। फॉक्स से हम इसे इस तरह से गोद देंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी हम बनाएंगे, मसाला तैयार करेंगे, तो वो इसके अंदर अच्छे से चला जाए। देखिए, इस तरह से हाथ से चारों तरफ से पकड़े रहेंगे, नहीं तो टूट भी सकता है, इसलिए हम चारों तरफ से इसको बैलेंस बना के रखे रहेंगे अच्छे से चारों तरफ से पकड़ के, नहीं तो इस तरह से ज़्यादा हम प्रेस करेंगे तो टूट भी सकता है। इस तरह से हम सारे में फॉक्स से हम छेद कर दिए हैं, मतलब गोद दिए हैं अच्छे से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके हम सरसों तेल डाल दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है और तेल भी गर्म हो गया है, हम सरसों तेल ही यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे अंडा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और अब इसे मिक्स करके हम अच्छे से इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो एक लेयर जैसा हो जाता है, तो वैसा हमें नहीं चाहिए। देखिए, खूब बढ़िया से फ्राई हो गया है अंडा और लाइट गोल्डन फ्राई हम किए हैं, गोल्डन लाइट गोल्डन कलर का ही रखना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसी तरह से हमें चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका लेयर नहीं बना है। ऐसे ज़्यादा फ्राई कर देंगे डीप फ्राई तो पपड़ी की तरह लेयर हो जाता है, तो वैसा नहीं चाहिए। अब हम इसे निकाल देते हैं इस तरह से, सारा अंडा हम फ्राई कर लिए बढ़िया से। इसी सेम कढ़ाई में देखिए तेल अच्छे से है। अब हम इसमें तड़के का सामान डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें जीरा और तेज़पत्ता डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर का हो गया है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया, हमें इसी तरह का कलर चाहिए। अब हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेते हैं, पहले हम गैस का फ्लेम कम कर दे रहे हैं, उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा प्याज
निकाल ले रहे हैं और इसे हम अलग थोड़ा सा और रखते हैं। इतना प्याज हम रखते हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, पानी डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुना रहा है, 2 से 3 मिनट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फेटा हुआ दही, और दही की कटोरी में ही थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दे रहे हैं। 1 गिलास हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। ग्रेवी का गाढ़ापन आप अपने अनुसार डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे अभी किए हुए हैं। अब हम इसमें सारा अंडा डाल देंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट इसे और कुक करेंगे कवर करके। अंडा करी बन के हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना है। कलर देखिए आप, और देखिए ग्रेवी कितना अच्छा गाढ़ा है। हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए, यही टेक्सचर चाहिए, और बहुत ही बढ़िया बना है बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। अब हम इसे निकाल देते हैं। अब हम गैस ऑफ कर दिए हैं और ये जो हम प्याज निकाले थे फ्राई किया हुआ, तो इसमें से आधा प्याज हम अभी इस ग्रेवी में डालेंगे। इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप एक बार ज़रूर इस तरह से बना करके ट्राई करें और ज़रूर इस तरह से बनाएं और खाएं, तो आप देखेंगे कितना अच्छा बना है ये रेसिपी। देखिए इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही गर्म है। अब हम इसमें ये बचा हुआ प्याज भी डाल देंगे इसके ऊपर से, और धनिया पत्ता है तो थोड़ा सा आप उसे भी डाल दें। एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कैसा लगा हमारी रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।